नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीयू का टॉप कोट करने के लिए सीलर के आपको दो कोट पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। दो कोट पूरे कंप्लीट हो जाने के बाद उसको अच्छे से सैंडिंग कर लेनी है। 220 नंबर और 400 नंबर से सैंडिंग करने के बाद उसको साफ कर लेना है, और साफ करने के बाद फिर आपको इसमें टॉप कोट अप्लाई कर देना है। देखिए इस तरह, ये हमारा सिर का पीयू का टॉप कोट का 9010 नंबर कोड नंबर का कलर है। तो इसको फिर इस तरह अप्लाई कर देना है। सीलर आपका कंप्लीट हो जाने के बाद पूरी तरह से सैंडिंग और इसकी फिनिशिंग करने के बाद आपको टॉप कोट अप्लाई कर देना है। तो ये पहला कोट टॉप कोट का है। इसके बाद जब ये सूख जाएगा, 4 से 5 घंटा इसको सूखने देना। सूखने के बाद 400 नंबर से फिर इसकी हल्की सैंडिंग करने के बाद आपको फिर इसमें दूसरा कोट टॉप कोट का अप्लाई कर देना है। और फिर 6 से 7 घंटा सूखने के बाद जब पूरी तरह से सूख जाए, उसके बाद आपको इसमें 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 नंबर से इसकी सैंडिंग करने के बाद आप इसमें रबिंग बफिंग कर दें, बिल्कुल आपका ये पीयू शीशे की तरह चमक जाएगा। तो इस तरह से इसको टॉप कोट को आपको करना है। ये ग्लोसी है, यदि आप मैट कर रहे हैं तो मैट में आपको बफिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ग्लोसी में बफिंग करना पड़ता है, मैट में बफिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये ग्लोसी का टॉप कोट डल रहा है। तो ऐसे ही ग्लोसी का टॉप कोट आप डालें, पहले सीलर के पूरे कोट कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आप टॉप कोट अप्लाई करें। और इसमें जो फिलर वगैरह भरना है, आपके कील के निशान है किसी तरह के, वो सारे फिलर से आप इसको अच्छे से भरने के बाद ही टॉप कोट अप्लाई करें, वरना आपका टॉप कोट का माल खराब वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए इसको पहले से ही ध्यान रखें, और अच्छे से पहले क्लीनिंग करने के बाद पूरी तरह से बाकी के काम कंप्लीट होने के बाद ही आप टॉप कोट अप्लाई करें। तो ये देखिए सिर का पीयू का ये टॉप कोट है, ऐसे टॉप कोट अप्लाई कर दें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।